हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो इसी चैनल के नाम से, यानी कि पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से। अगर आपने अभी तक वहाँ हमसे फॉलो नहीं किया तो आप हमें वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से, यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। स्पेशली ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा, क्योंकि ऐप पर हमने कम से कम 300 से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन भी MCQs फॉर्म में प्रोवाइड कर रखा है। उसके अलावा 1300 क्वेश्चन जो हैं उसकी PDF भी हमने आपको पेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपको अपनी बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो इन क्लासेस के साथ में उन PDF को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे आपका कम समय में पूरा रिविज़न हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं SCRT की बात करूँ आज, तो पहली बात तो फिर वही तरीका एज़ पर अवर स्ट्रैटेजी कि आपको SCRT का फुल फॉर्म हमारे साथ में 3 बार बोलना होगा। क्यों मैम? हमने कहा क्योंकि आप लोगों को इसी सेशन के माध्यम से हम उसको याद करवा देना चाहते हैं। फुल फॉर्म ज़रूर आएगा पेपर में, ठीक है। SCRT का फुल फॉर्म क्या हो भैया? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैम, SCRT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCRT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एस का मतलब स्टेट, सी का मतलब काउंसिल, ऑफ ई का मतलब एजुकेशनल, आर का मतलब रिसर्च एंड टी का मतलब ट्रेनिंग। तो हो गया स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आई बात समझ? अब समझो भैया ये होता क्या है SCRT। जैसे जो आपके 6 to 8 तक की जो चलते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय हो गए, आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय हो गए, जिनकी वैकेंसी नहीं आ रही है इतने सालों से, खैर ये एक अलग विषय है। तो यहाँ पर जो किताबें चलती हैं वो SCRT के माध्यम से चलती हैं। कौन सी होती है मैम, क्या होता है? तो हमने कहा समझो बात को। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि NC होता है NCERT की तरह, जो काम NCERT के होते हैं ना वो नेशनल लेवल के होते हैं, राष्ट्र स्तर के होते हैं, और जो SCERT का काम होता है वो तो जो काम आपके राज्य स्तर के होते हैं वो SCERT के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो भैया देखो, जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है NCERT के द्वारा, वही कार्य राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है। NCERT द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में जो अनुसंधान तथा लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं उसी को प्रत्येक राज्य अपने भौगोलिक परिवेश, आवश्यकता तथा संसाधनों के अनुकूल क्या करता है? अपनाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, भैया समझिएगा ये इम्पोर्टेंट है आपका, क्या कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कब? तो 1988 ईस्वी में SCERT के रूप में एक राज्य स्तरीय शीर्ष सरकारी परिषद की स्थापना की गई। इसकी भूमिका एवं कार्य योजना, यानी कि इनका जो रोल था, जो इनका वर्क प्लानिंग थी, इसके संबंध में गुणवत्ता सुनिश्चित करने से संबंधित प्रबंधन, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन करने की दृष्टि से विद्यालय स्तर पर प्रभावपूर्ण नीति कार्यान्वित करने में तथा उपयुक्त परिवर्तन करके सफल नीतियों को तैयार करने में SCERT की पहचान एक अग्रणी संस्थान के रूप में की गई। उदाहरण की दृष्टि से तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है, उसी पुस्तक को राज्य स्तर पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ अध्यायों को, यानी कि कुछ चैप्टर्स को बदलकर उसको प्रकाशित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो NCERT की बुक्स चलती हैं वो अलग होती हैं, वो आपका केंद्र के द्वारा निर्धारित होती हैं। जो आपकी हमने बताया ना, जो आपके प्राइमरी स्कूल, ये जो जूनियर स्कूल में सब चलती हैं, ये आपकी SCERT द्वारा निर्धारित की जाती हैं, है ना, क्यों राज्य के हिसाब से होती हैं इसमें चीज़ें। इसी प्रकार NCERT द्वारा आदर्श परीक्षा के सिद्धांत एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र के निर्माण किए जाने के बाद SCERT की परीक्षा विशेषज्ञ अपने राज्य में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक तथा पाठ्यचर्या के अनुरूप प्रश्न पत्र की रचना में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुसंधान एवं कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर SCERT की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, जिस पर NCERT का प्रमुख घटक है, उसी प्रकार जो आपका राज्य शिक्षा संस्थान है, यानी कि जो आपका SCERT है, ये राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यकर्ता है, यानी कि जो भी आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कार्य होते हैं वो इसके द्वारा किए जाते हैं। शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम हो गया है ना, और शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री, यानी कि टीचर एक तरीके से ट्रेनिंग जो चीज़ें होती हैं है ना, उसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन, ये SCERT के माध्यम से किया जाता है। विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में ये संस्था विशेष रूप से काम करती है। कौन आपके भैया? SCERT। NCERT अपने राज्य की आवश्यकता के अनुसार नए विभाग खोलता है
और उनमें विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। कौन? SCERT जो है। SCERT का काम क्या है? वो अपने राज्य के अनुसार यानी कि अपने स्टेट के अनुसार, जैसे उत्तर प्रदेश है तो ये यहाँ का जो अपना स्टेट का है वो सिनेरियो उनके अपने हिसाब से, उनको ज़रूरत महसूस हुई तो वो अपना योगा विभाग खोल देंगे, वो अपना फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन विभाग खोल देंगे, ये उनके ऊपर है। ठीक। राज्य के शिक्षकों को नवीन अनुसंधानों तथा शिक्षण विधियों से परिचित कराने के लिए विभिन्न जिलों में शिक्षकों को बुलाकर प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि जो टीचर्स की, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। किसके माध्यम से? तो SCERT के माध्यम से। इन्हें विषय से संबंधित सामग्री निर्माण का अभ्यास कराया जाता है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रस्तावित अनेक विषय, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हो गया आपका, बाल केंद्रित शिक्षा हो गया, मूल्यों की शिक्षा हो गया, राष्ट्रीय एकता हो गया, जनसंख्या शिक्षा हो गया, कार्य अनुभव शिक्षण में सहायक साधन एवं इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों की शिक्षा आदि के नवीकरण के लिए ग्रीष्म अवकाश में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आप देखते होंगे, जैसे आप लोग BEd जहाँ से कर रहे हो वहाँ पर भी इन प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग चलती है 10 दिन की। उन 10 दिनों में मतलब इन लोगों को सब नया सब सिखाया जाता है। जैसे अब NEP 2020 आ गई तो इसके तहत जो चेंजेस होंगे भैया, वो जो टीचर ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी ना कि अब आपको कैसे पढ़ाना है, जो चीज़ आप ऐसे पढ़ा रहे थे उसको ऐसे ना पढ़ा करके ऐसे पढ़ाना है, अब इन टॉपिक्स को आपको इन विधियों के माध्यम से नहीं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाना है। तो इसके लिए जो पुराने टीचर्स ऑलरेडी इन वर्किंग है वो कैसे समझेंगे? तो वो उसके लिए यही, ये जो आपकी SCERT है राज्य संस्था है, यही इन टीचर्स के लिए क्या करेगी भैया, प्रोग्राम चलवाएगी, है ना। तो जो ऑलरेडी टीचर्स हैं इनके शिक्षण एक तरीके से अधिगम होगा, है ना। सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय महाविद्यालय के शैक्षिक विशेषज्ञों ने राज्य शिक्षा संस्थान के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, और इसके बाद इन प्रशिक्षित अधिकारियों ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाचार्य को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित का मतलब होता है ट्रेंड किया। इसके पश्चात शिक्षकों को, जैसे नानी ने मम्मी को प्रशिक्षित किया खाना बनाने में, मम्मा ने आप को प्रशिक्षित किया खाना बनाने में, तो एक तरीके से वही बात बताई जा रही है। प्रधानाचार्य को प्रशिक्षित किया इसके बाद शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। इस संस्था के संचालन एवं क्रियान्वयन का संपूर्ण भार SCERT के विशेषज्ञों को सौंपा गया। SCERT मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर के विद्यालयों तथा शिक्षकों के लिए कार्य करता है। मुख्य रूप से पूछा जाए किसके लिए कार्य करता है, तो माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर के विद्यालय के लिए। अब SCERT जो है इसके भी तो कुछ गोल्स होंगे ना, तो इसके क्या गोल्स हैं? तो पहला तो इनका काम यही उद्देश्य है कि शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, यानी कि जो ऑलरेडी अपने जॉब में है, ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में है, उनको ट्रेनिंग देना। ये किसका मेन काम है? ये काम है मेन आपका SCERT का। उसके बाद में शिक्षण अधिगम गतिविधियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग किए जाने वाले शैक्षिक तकनीकों का विकास करना, दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन की सिस्टम करना, शैक्षिक स्तर पर बालकों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य के लिए पाठ्यचर्या का विकसित करना। देखो NEP 2020 के माध्यम से आपका सिलेबस चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उसमें उन चीज़ों की कमी थी जिसकी वजह से आपकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, तो इसलिए NEP 2020 आई। लेकिन उसको क्रियान्वित करने का काम जो उद्देश्य है वो किसके है? SCERT का। अन्य शैक्षिक संस्थानों के विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना और विभिन्न स्तरों की पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम निर्धारित करना, यानी कि जो अलग अलग बुक्स हैं उनका क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या उनका सिलेबस होना चाहिए, इसको डिसाइड करना, और उसमें अगर कोई कमी है तो उसको संशोधित करके विकास करना। ये किसका काम है? SCERT का। विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। शैक्षिक कार्यक्रमों एवं संस्थानों के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया का विकास करना। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, आपकी जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जस्ट लाइक जो आपको घर में से मिल रही है, एवं प्रकार्यात्मक साक्षरता के विकास के लिए शैक्षिक सामग्री प्रदान करना। शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करके सुधारात्मक योजना बनाना। SCERT के कार्य की अगर मैं बात करूँ, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ SCERT, तो प्रदेश में स्कूल शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन, शोध तथा नवाचारों के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो आपका SCERT है, ये उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1981 में जनपद लखनऊ में की गई।
प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रारंभिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास, शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन, शिक्षक प्रशिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों का क्षमता संवर्धन, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन और निजी संस्थानों को BTC NTT प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता भी प्रदान करना, ये सब किसके हैं भैया? मेन काम है आपके CRT और समझो, उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के भाग 7 में धारा 29 के प्रयोजनार्थ शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन का भी निर्धारण करना, ये किसका है? सब मुख्य कार्य हैं किसके भैया? SCERT के। तो SCERT का विभाग अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो निदेशक होता है। निदेशक के अधीन संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रशिक्षण, जो आपका उप शिक्षा निदेशक, सहायक निदेशक, सहायक उप शिक्षा निदेशक, शोध प्राध्यापक और प्रवक्ता, ये शोध कार्य करते हैं। ये आपके SCERT अपने कार्यों का संपादन अपनी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से करता है। अब देखो तो भाई, अगर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से करता है तो SCERT के अधीनस्थ इकाइयाँ भी होंगी, सबऑर्डिनेट यूनिट्स भी होंगी, तो वो यूनिट्स कौन कौन सी हैं, है ना? तो SCERT ने शैक्षिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रमुख विभागों का गठन किया। आप खुद के तो अकेले कर नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। जैसे IASI, देखो IASE इलाहाबाद, ठीक, इसका काम क्या है? जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक एवं शैक्षिक संवर्ग के संकाय सदस्यों तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों के क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों हेतु विषय आधारित तथा शिक्षण कौशल दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा आयोजनों का क्या करना, शोध करना, उस पर रिसर्च करना। CTE लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों तथा उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के विषय आधारित तथा दक्षता आधारित विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन तथा शोध कार्य। उसके अलावा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जो आपका इलाहाबाद में है, तो विज्ञान और गणित की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शोध अध्ययन, सर्वेक्षण, कार्यशालाएँ, विज्ञान संगोष्ठी तथा अन्य वैज्ञानिक क्रियाकलापों के माध्यम से विज्ञान और गणित को सरल, रोचक, बोधगम्य व प्रभावी बनाने की युक्तियों का विकास करना तथा प्रतिवर्ष विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, ये भी इनकी क्या है, यूनिट्स हैं सारी। चाहे वो आपका राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद हो, जिसके अंतर्गत जो आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी होता है, इनका सिलेबस है ना, इनके मॉड्यूल्स हैं, इनके जो शोध अध्ययन है वो सब इनके द्वारा। उसके बाद में मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में, वो भी आपकी SCERT की एक यूनिट है। इसके अंतर्गत आपका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन तथा DGP यानी कि डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण का संचालन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा राज्य हिंदी संस्थान, जो आपका वाराणसी में है, ये भी इसकी एक यूनिट है SCERT की। इसमें हिंदी और संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तकें हो गई, सहायक पुस्तकें हो गई, इनका विकास किया जाता है और हिंदी शिक्षण की नवीनतम तकनीकों से शिक्षकों को परिचित कराना, साथ में हिंदी व संस्कृत भाषा से संबंधित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं का आयोजन करना, और उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसमें क्या करना भैया, उसको चेंज करना, या कह सकते हैं आपकी शोध जारी रखना, ये सब आपके इन यूनिट्स के काम होते हैं। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, जो आपका लखनऊ में है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षिक वीडियो CD का निर्माण किया जाना तथा शैक्षिक तकनीकी से संबंधित विधित कार्य करना। इसके अलावा जैसे आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, जो आपका इलाहाबाद में है, है ना, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो आपका रामपुर और इलाहाबाद में है, यहाँ पर 2 वर्ष का DPED प्रशिक्षण के साथ साथ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को खेल एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है। राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो आपका इलाहाबाद और आगरा में है, ये CT यानी कि नर्सरी ट्रेनिंग के साथ साथ अन्य सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये सब किसके यूनिट्स हैं, ये सब आपकी SCERT के अंतर्गत आएंगे, याद रखिएगा। जो आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केंद्र पूर्व निर्धारित योजनांतर्गत जनपद स्तर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के सेवा पूर्व एवं सेवारत, समझ लो, सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसमर्थन तथा शैक्षिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों, शैक्षिक कर्मियों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों से
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न चरणों में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में परिषद के नियंत्रण अधीन 70 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान क्रियाशील हैं। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 2 वर्षीय सेवारत BTC प्रशिक्षण, यानी कि जो बच्चे DLED अब आप जानते हैं उसको पहले BTC कहते थे, है ना, इनके साथ साथ समय पर शासन के निर्देशानुसार विशिष्ट BTC जो करते हैं ना, स्पेशल तरीके से जो उर्दू से करते हैं, है ना, उर्दू BTC प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं इनके शिक्षकों को विषय दक्षता एवं कौशल आधारित सेवारत प्रशिक्षण, जैसे लाइक शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण, BRC हो गया आपका, NPRC समन्वयकों का, वैकल्पिक शिक्षा अनुदेशकों का, साक्षरता शिक्षा कर्मियों का, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों तथा ग्रामीण शिक्षा समिति का शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान किया जाता है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, शोध करना, रिसर्च करना, अध्ययन करना, सर्वेक्षण करना और उसके में शैक्षिक अनुसमर्थन करना, प्रशिक्षण मॉड्यूल और एवं सामग्री का विकास करना, ये सब मेन काम होते हैं। किसके भैया, SCERT के। SCERT के आपको यूनिट्स का नाम याद रखना है, ठीक है, जो इनके यूनिट्स हैं कहाँ पर है इतना ज़रूर याद रखना है, ठीक है, SCERT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओके। तो ये थी आपकी एक SCERT की छुटकू सी क्लास, जो कि मुश्किल से 10-15 मिनट में कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पेपर 1 के 1300 से ज़्यादा MCQs चाहिए तो आप PG Point ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको पेपर 2 और पेपर 3 के भी MCQs वहीं पर मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो जाइए दौड़ के फटाफट से ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। तो यहीं से करेंगे हम सेशन को एंड, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। वीडियो को लाइक करना तथा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।